काले मेघ बवंडर बन गला दे आसमान, व्याधि पीड़ा रोग के शैतान लिया को प्रकट कर यहाँ। अर्जुन बेटे तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं माँ, मैं लड़ूंगा। ये कोई मामूली शत्रु नहीं है। अर्जुन अपने आप को बचाओ, भागो। प्रणाम महाराज। भीम, हम सब बाली जा रहे हैं। क्या? हाँ, अर्जुन बाली का राजकुमार है, मेरी सगी बहन बाली की महारानी का बेटा। चंद दिनों में अर्जुन के राज्याभिषेक का समारोह है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे और इंदुमती के साथ वहाँ चलो। महाराज ये है गुरु बहुला। प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्र वर्मा, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कारण से बचा न सका। अर्जुन बच निकला? हाँ अर्जुन। राजगुरु जी, अगर वाकई रंगड़ा इतनी खतरनाक और मायावी है तो वो इतने सालों तक कहाँ थी? काल चक्र में कैद। अच्छी ही गुजरी होगी। अर्जुन की तबीयत वैसे तो बेहतर है। अब जो तुम ठीक हो गए हो तो फिर से तुम्हारा अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। बच्चों, अर्जुन के साथ तुम भी अभ्यास करो। ले आग का सामना करते समय ये तुम्हारे काम आएगा। अगुन पर्वत का रास्ता इस ओर है अर्जुन, पर वहाँ वो जादूगरनी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। उस पर हमला करने का यही सही वक्त है। ठीक है अर्जुन, महल जाकर रंगड़ा को मैं रोकूंगा। नहीं भीम, मेरा मतलब मैं तुम्हारे माता पिता को सही सलामत महल से निकाल लाऊंगा। तुम बस बरों को ढूंढना। चलना इन लोगों को सरदार के पास। भगवान, मतलब इतिहास दोहराया जाता। बहुत ही खूब, राजकुमार अपने मकसद में कामयाब हो। तुम सब परदेसी होकर भी बाली के लिए लड़ता। चलो मेरे साथ। राजू, तुम्हारा ये भाला और इसकी खूबी ये है कि ये कभी चूकता नहीं। जग्गू, अपनी पूंछ के एक झटके से तुम्हें एक लंबा लड़ने वाला पूंछ मिल जाता। और भी तुम्हारा परमवीर हथियार, जो एक तलवार सा हल्का, गदा सा दमदार और भाले सा तेज होता। चुटकी, ये अनोखी छड़ी, इसे तुम एक छोर की तरफ मोड़ो तो चाबुक। हम महल की ओर चलते हैं। समझ में नहीं आता, आपका शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं, कल अगुंग पर्वत पर मिलेंगे हमारी सेना से। महाराज और महारानी को रथ तक ले जाओ, मैं इस रंगड़ा को रोकने की कोशिश करता हूँ। हाँ।
कोई घुसपैठिए आए हैं। जाओ। जो आज्ञा रंगड़ा। अर्जुन। भीम, तुमने अपना वचन निभाया। शायद हम रंगड़ा को रोक पाते, मगर इस मंदिर के रक्षक ने मुझे बताया कि कैरिस के बिना रंगड़ा को नहीं रोका जा सकता। कैरिस? और वो भी एक सच्चा राजकुमार ही कैरिस से रंगड़ा को मार पाएगा। मैं रंगड़ा का ध्यान बटाता हूँ, तुम तब तक कैरिस को ढूंढो। भीम, सिंहासन को बचाओ। अगर सिंहासन सही सलामत रहा तो ही कैरिस रंगड़ा पर घातक असर कर पाएगा। अगर सिंहासन नष्ट हुआ तो कैरिस हमेशा के लिए रंगड़ा का हथियार बनकर रह जाएगा। अलविदा। पर तुम जितने बहादुर हो उतने ही भोले भी। तुमने कैरिस एक साधारण इंसान के हाथ दे दिया। मगर मैंने तो वो अर्जुन को दिया, बाली के सच्चे राजकुमार को। प्यारे भीम, क्या तुम अब भी नहीं समझे कि अर्जुन नहीं, तुम ही सच्चे राजकुमार हो? मैं? अब जाओ, रंगड़ा और उसकी शैतानी सेना को दिखा दो। बड़े शौकीन हैं, पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा। सदियों पहले की बात है, जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे, और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। धुंध, हवा, कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहेता बन गया। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हिजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे, जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। सात रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हिजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हिजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। कहते हैं हिजार्क की कूटनीति की वजह से ही मौसम बिगड़ता है। पर चाचा, ये ड्रैगन आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया?
स्काई ड्रैगन की मर्जी होगी तो एक दिन तुम उसे देखोगे ही नहीं, उसकी सवारी भी करोगे भी। सब बकवास है, मैं तो जा रहा हूँ। शाम काफी हो गई है, हम भी चलते हैं मौसी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगड़म भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। यही की तलाश कल से शुरू करें या आज से? चलो स्काई ड्रैगन से मिलने। तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम तुम असली जावाज हो। तुमने ठीक कहा, कोरल किंग की खातिर तुमने अपना दूसरा मौका गवाया, पर अब भी आखिरी द्वार बचा है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। शुक्रिया मैगी। चलिए, मैगी जरूर आपकी मदद कर पाएंगे। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता। से नहीं। चाहते हैं स्काई ड्रैगन। ठीक है भीम। अलविदा भीम, अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे आने वाली चुनौतियों के लिए इसका सही इस्तेमाल करना।
छचिंदरों, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना, जब हमारे चप्पू पानी तक पहुंचेंगे। लो, पहुंच गए चप्पू पानी में। अब चलो। लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरो गिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना, देखना इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ? राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। हाँ, इंदु,
खूब मस्ती कर रहे हो। ओ अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है, वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है, यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो, लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो। चलो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने तीन प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं, ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। भीम रुको। भीम, जादूगर छूमंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं, तुम उनका जादू देखने चल रहे हो ना? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, नए नए जादू देखने को मिलेंगे। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, आज मुझे प्रोफेसर की मदद करने जाना है। ये क्या बात हुई, इतनी मुश्किल से तो कोई जादू दिखाने यहाँ आता है और तुम हो कि चलना ही नहीं चाहते। अरे नहीं, प्रोफेसर कब से बुला रहे हैं, आज तो मुझे जाना ही चाहिए, जग्गू को भी बुलाया है, मैं बस उसे ही लेने जा रहा हूँ। तो क्या प्रोफेसर एक दिन और नहीं रुक सकते? नहीं चुटकी, आज तो जाना ही होगा। अच्छा तो मैं जरा जग्गू को लेकर आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है
भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें। मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओ चाचा क्या हुआ, सब इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है, कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। अजूबा सा कुछ? हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ चलो दोस्तों। ऐसे तो ये जहाज पूरे शहर को तबाह कर देगा। कुछ भी करके इस जहाज को तट से रवाना करना होगा। पर वो मुमकिन नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे ये जहाज हमें देख सकती है। जब राजू आगे बढ़ा उसी दिशा में बिजली कड़की। तब तो हमें इस जहाज को तोड़ना होगा। रुको 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 रुको, पत्थर मत फेंको, लगता है जहाज पर कुछ लोग हैं। हाँ। ये लोग कौन हो सकते हैं? लगता है जहाज का चालक दल है। ओ नहीं, अब क्या करें? उनकी भी मदद और क्या। रुको, इतना आसान नहीं, ये बिजली काफी खतरनाक है। जहाज के चालक दल को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भीम। हाँ अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। जुम, जुम, लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जुम, जुम, जम 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 पूरा, जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा, नदियों को जमा दे तू, पर्वत को कर दे चूरा। जम 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 भूरा, जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। एक के दो के तीन के चार के पाँच के दस के बीस के तीस के चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे पूरे सौ।
एक के दो, दो के तीन, तीन के चार बना दे, दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा, बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा। पूरा जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। सुन सुन लड्डू तुझे खिला दू, केला तुझे खिला दू, जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा। Gili-gili-chaka-laka-maka-laka-zoom!